आदाब जी, सलाम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हुरम खान आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन का धरना। बता दें कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज इस वक्त जारी है। इमाम और मुअज्जिन यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इमाम और मुअज्जिन बैठे हुए हैं धरने पर। कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से नाराज हैं ये लोग और अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। कुछ सियासी लीडरान भी धरने में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इनका मुतालबा है कि इनकी रुकी हुई तनख्वाह को यहाँ पर रिलीज किया जाए, इनको इनकी तनख्वाहें दे दी जाए, क्योंकि कई कई महीनों से, किसी की 8 महीने, किसी की तो 24 महीने से भी तनख्वाह जारी नहीं की गई है। मुलाजमीन इस वक्त मायूस है, क्योंकि उनके सामने माशी बहरान अब पैदा हो गया है। उनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं, वो कर्जदार हो गए हैं और इसीलिए अपने मुतालबात को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन का धरना इस वक्त देखा जा सकता है। बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज है। इल्जाम यही कि वक्फ बोर्ड तनख्वाह रिलीज नहीं कर रहा। इससे पहले भी कई बार मुलाजमीन सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर चुके हैं। हमेशा यकीन दहानी कराई जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तक इन लोगों को तनख्वाह के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है, कोई रकम इन्हें नहीं दी गई है।